गंगा जमुना सरस्वती भागीरथ रे बा गंगा लावण तप कियो घोर तपस्या रे मां गंगा जी तरण तारणी गंगा हम सबके पापों का नाश करने वाली गंगा हम सबको मोक्ष दिलाने वाली गंगा और आज की जो रात्रि है ये जो प्रभाते प्रसादी होती है उसे गंगा प्रसादी कहते हैं इसको डांगड़ी की रात कहते हैं। तो यह परंपरा तो जब सर्व सबसे पहले कथा सुनाई राजा परीक्षित को तब से यह प्रथा चली आ जाए तो अब गंगा जी धरती पर किस प्रकार अवतरण हुई धरती पर आना कैसे हुआ कौन लेके आया और कितनी तपस्या के बाद लेके आया इसी का वर्णन इस वाणी में प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। अरे थे तो धरणी पधार्या हरे गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा अरे गंगा मा थाने अर्ज करा ओ गंगा मा थाने अर्ज करा त्रिवेणी थाने अर्ज करा ध्यान देना मेरी बात को अरे भागीरथ जल म्यो दली परे भागीरथ जल म्यो दली परे सगर कुल रे मां भागीरथ जल म्यो दली परे सगर कुल रे मां अरे भागीरथ जल म्यो दली परे वो सगर कुल रे मां भागीरथ जल म्यो दली परे सगर कुल रे मां अरे गंगा लावण तप कियो रे गंगा लावण तप कियो रे अरे गंगा लावण तप कियो रे ए घोरे तपस्या रे माए त्रिवेणी थाने अर्ज करा हे तो धरणी पधारो गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा हे तो धरणी पधारो गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा त्रिवेणी थाने अर्ज
करा भागीरथ जलवियों दलीप रे सगर कुल रे माए और गंगा लावण तप कियो ने घोर तपस्या रे माए। अब जब गंगा जी को भागीरथी भी भागीरथी गंगा भी कहते तो तपस्या की तो गंगा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुई तो गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना। गंगा प्रसन्न हुई भगत पे दर्शन दीना। गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना। अरे गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पे दर्शन दीना। अरे मारे वेग ने कुण रोकेला। अरे वेग ने कुण रोकेला। अरे वेग ने गुण रोकेला। मैं जाऊं रसातल माए त्रिवेणी थाने अर्ज करा। ए तो धरनी पधारो गंगा माई त्रिवेणी थाने अर्ज करा। ए तो धरनी पधारो पधारो धरनी पधारो 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 पधारो। ओ धरनी पधारो गंगा माई त्रिवेणी थाने अर्जी करा। गंगा प्रसन्न हुई भगत पर दर्शन देना आए। स्वयं गंगा जी प्रकट हो गए और कार भागीरथ से गई। भागीरथ तेरी भक्ति से तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मगर जो तेरी मांग है वो मैं पूरी नहीं कर सकती। उसके पीछे एक लॉजिक है, कारण है कि भागीरथ मेरा वेग इतना तीव्र है, इतना तेज है कि अगर मैं आऊंगी तुम्हें धरती पर न रुक के रसातल में चली जाऊंगी, इतना तीव्र है। बोले इसको कोई रोक सकता है तो वो उपाय तू कर। अब भागीरथ ने कहा ठीक है। अब भागीरथ ने अरे भागीरथ शिवरी करी तपस्या नली जटारे माए। भागीरथ शिवरी करी तपस्या कली गटारे माए। अरे भागीरथ शिवरी करी तपस्या नली जटारे माए। भागीरथ शिवरी करी तपस्या कली जटारे माए। भागीरथ जी ने राजा भागीरथ ने भक्ति की भगवान शिव की आदि अनादि देव भगवान शंकर की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भागीरथ शिवरी करी तपस्या नली जटारे माय। अरे भागीरथ शिवरी करी तपस्या काली जटारे माय।
अरे धारा फूटी पंच पुहार, धारा फूटी पंच पुहार, ए धारा फूटी पंच पुहार, अरे गंगा ने सागर में ले जाए फिर बेड़ी थाले अर्ज करा तारे। तो धरणी पधारो गंगा माई, त्रिवेणी थाने हरदी करा, धरणी पधारा गंगा माते त्रिवेणी थाने अर्ज करा। तो धरणी पधारो गंगा माते त्रिवेणी थाने अर्ज करा। भागीरथ शिवरी करी तपस्या राली जटा रे माए भगवान शंकर ने। जब भागीरथ ने राजा भागीरथ ने शिवजी की आराधना की साधना की तो भगवान शिव ने गंगा जी को अपने जटा में धारण कर लिया। रोक दी रसातल में नहीं जाने जा। अब गंगा जी का एक कॉल एक वचन, अरे गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले आए, गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले आए, गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जाए, गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जाए। आ डांगड़ी रात तो मोक्ष करावे, डांगड़ी रात तो मोक्ष करावे, आ डांगड़ी रात तो मोक्ष करावे, डांगड़ी रात यो मोक्ष करावे, अरे जीवनी गति होए जाए त्रिवेणी थाने अर्ज करा। अरे अर्ज कराओ गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा। ये तो धरणी पधारो गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा। तो ये डांगड़ी का अर्थ ये है कि हम सत्संग करें और उस जीव के लिए ये भजन खाते में, बाकी कोई हमारे खाते में नहीं। कितना लिया, कितना दिया, क्या बनाया, गाड़ी कौन सी ले ली, प्लॉट कितने ले लिए, ये खाते में यहां है, वहां खाते में नहीं है। वहां खाते में तो भजन ही है, बशर्ते किसी ने भजन गाए नहीं, भजन जिए होंगे तो काम आएंगे। भजन गाना और भजन जीना ये दोनों चीजें डिफरेंट है। गाना आपने बुलवा लिया कि कितने पैसे लोगे साहब, फोन कर दिया कि अभी क्या रेट से, आप यकीन करो मैं आपको सही करो ये मीडिया के सामने कह रहा हूं। लोग इस तरह फोन पर बात करके अभी रेट क्या चल रही है, तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि मैं यहां पर नहीं कह सकता। उस आदमी को तो कह दिया मैंने, भजन की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, शब्द की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। एक शब्द क्योंकि सबदा मारा मर गया ने सबदा छोड़ियो राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तो वारा सरिया काज। मित्रों शब्दों की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता और कीमत अदा भी नहीं कर सकता। इसलिए
अरे वाली छमर कहे गंगा ले जा पुत्रों ने सरगा सुहायन रात जगावो गंगा सुहायन रात जगावो गंगा सुहायन रात जगावो गंगा सुहायन रात गंगा सुहायन रात जगावो अरे गंगा सुहायन रात जगावो तो आवारे गमन मिट जाए आवारे गमन यानी आना इनकमिंग और आउट आवारे गमन आवारे गमन मिट जाए त्रिवेणी थाने अर्ज करते अरे ओ धरती अधर गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा और स्वयं मां गंगे ने ये कहा स्वयं गंगा जी बोली अरे मानो मानो तो मैं गंगा मां हूं ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा मां हूं ना मानो तो बहता पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को जो स्वर्ग ने दी धरती को मैं हूँ वो अमर कहानी मानो तुम्हें गंगा हूँ ना मानो तो बेटा पानी राहुल साहब ये जितनी जात पात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आदमी इनसे आगे निकलता है तो उसके सामने जब इस पद को वो प्राप्त कर लेता है जब उसके सामने में ये बात आती है कि ये भी जीव है और मैं भी जीव हूं तो आदमी के समझ में ये बात आती है कि दो ही चीजें कि एक तो जीव है और एक ब्रह्म है एक तो जीव है और एक ब्रह्म है बाकी कुछ भी नहीं तो आप देखें कभी आपने तो गंगा जी के दर्शन किए होंगे वहां से ठीक 10 किलोमीटर पहले एक जगह आती है जिसका नाम है रुड़की एक स्टेशन आता है वहां पर साबिर पाक की दरगाह है तो वहां से गंगा जी होके निकल रही है तो जब नमाज का वक्त होता है तो लोग वजू का करते पता आपको वहां उसी के तट पर बैठ करके वहां घाट बना रखा है मैं तो जाके आया हूं वहां पे तो स्वर सम्राज्ञी लता जी ने यूं कहा अरे कोई वजू करे मेरे जल से कोई वजू करे मेरे जल से कहीं पंडित प्यास बुझाए कोई वजू करे मेरे जल से 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 कोई पंडित प्यास बुझाए कोई दीन धर्म के झगड़े ये दीन धर्म के झगड़े इंसान की है नादान
पानी मानू तुम्हें गंगा बाहू मानू तो बहता पापा पापा मानू तुम्हें गंगा बाहू मानू तो बहता पानी आवागमन मिट जाए त्रिवेणी थाने अर्ज करा हे तो धरनी पधारा गंगा माए त्रिवेणी थाने अर्ज करा गंगा मा थाने अर्ज करा गंगा माथाने अर्ज करा त्रिवेणी थाने अर्ज करा त्रिवेणी थाने अर्ज करा माँ गंगे थाने अर्ज करा माँ गंगे थाने अर्ज करा यूं पुष्कर जी ने अर्ज करा यूं पुष्कर जी ने अर्ज करा यूं गया जी में अर्ज करा यूं गया जी में अर्ज करा करा की जय हो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की।